सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के आईपीसी के आर्टिकल या सेक्शंस का वो इंटरप्रेट करते हैं, उसी टाइम हमारे पुलिस स्टेशन में थानेदार साहब एक रोज़ नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे होते हैं। 2016 में एक जेएनयू का स्टूडेंट था जो जेएनयू से गायब हो गया था, इसका नाम नजीब अहमद था। जब नजीब की माँ बसंत कुंज के पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की FIR कराने के लिए जाती हैं, तो FIR करते समय कान में पुलिस स्टेशन में थाना इंचार्ज मोबाइल लगाकर किसी से डायरेक्शन ले रहे होते हैं और उनको बोल रहे होते हैं कि आप घबराइए नहीं, हम कुछ इस केस में करने वाले नहीं हैं। वो लेडी दिल्ली की सड़कों पर खींची गई, पीटी गई, और नजीब अहमद कहाँ हैं आज भी, एक हफ्ते पहले 4 साल पूरे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम कि नजीब अहमद कहाँ हैं। जहाँ तक बात करी जा रही है इन प्रोटेस्ट की या प्रोटेस्ट के पे परमिशंस की या कहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाएं, तो सवाल ये है कि प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों आ रही है। हम बात करें यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की, तो वो कहते हैं कि CA आंदोलन में हिस्सा लिया। जो दिल्ली पुलिस है उसका थ्योरी तो वो कादर खान का एक फिल्म की तरह, इट्स लुक लाइक दैट, कि वेन समवन इज़ ईटिंग दाल चावल एंड दे हैड अरेस्टेड देम इन दैट कॉमिक मूवी, कि ये मिलावट कर रहा था। मिलावट क्या कर रहा था? बोले दाल में चावल मिलाकर खा रहा था। तो बोले क्या कर रहा था? बोले वो प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहा था, इसलिए हमने उसको अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये वो कह रहे हैं कि दिसंबर से, कोई कह रहा है नवंबर से, इसकी साजिश करी जा रही थी। हमको गर्व है इस बात का, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट कंपेन को इस बात का पूरा प्राउड फील करते हैं हम, कि हम इस संविधान विरोधी कानून के खिलाफ आज से नहीं, 2017 से हम काम कर रहे हैं। 2018 में इसी प्रेस क्लब दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, केरला में, वी हैड द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ऑफ आसाम NRC, जो उस पूरे NRC के ऑपरेशनल प्रोसेस में लोगों के साथ जाती हो रही थी। 2019 में भी हमने यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज करी कि किस तरह आसाम के जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, उसमें कई सारे केसेस ऐसे हैं हज़ारों की तादाद में कि किसी को नोटिस जा रहा है 2017 में, 2018 में सेम फॉरेन ट्रिब्यूनल उनको इंडियन सिटीजनशिप दे रहा है, और 19 में फिर डाउटफुल सिटीजन का नोटिस जा रहा है। तो पूरी सोसाइटी एंजाइटी में है। व्हेन वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू प्रोटेस्ट, उसी टाइम पे आसाम में 10,000 लोगों को फिर अलग कर दिया, इनको नोटिस भेज दिए जाते हैं कि आप पिछली NRC की लिस्ट में पास ऑन कर गए थे, लेकिन अब आपको बाहर किया जाता है। तो हम लोग लगातार उस तरह के कानून के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसमें किसी को ये बताने की या दिल्ली पुलिस को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी दिसंबर से साजिश चल रही थी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और प्रोटेस्ट करना कॉन्स्पिरेसी है, तो ये कॉन्स्पिरेसी राइट टू प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कंटिन्यू रहेगी, इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है। जहाँ तक भाजपा के हमारे गृहमंत्री, अगर हम लोगों का नाम लेते हैं या बात करते हैं कि नाम तो बहुत अच्छा है, काम कैसा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग लगातार उन इशूज़ पे काम कर रहे थे जिन इशूज़ पे पुलिस जिनको रिसॉल्व नहीं कर रही थी, जिन पे जो होम मिनिस्ट्री जिसके तहत आती है वो पुलिस काम नहीं कर रही थी, हम उसमें काम कर रहे थे। अगर बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सिंह की लिंचिंग कर दी जाती है और उनकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो उनके बिहाफ पे केसेस हम देख रहे थे। अगर जुनैद के केस में हरियाणा में एडिशनल अटॉर्नी जनरल कोर्ट के अंदर बैठ कर एक्यूज की हेल्प करता है, तो हरियाणा भवन पे प्रोटेस्ट करके, हरियाणा भवन को ब्लॉक करके और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का रिजिग्नेशन लेने के बाद हम वहाँ से वापस लौटते थे, तो वो काम हम कर रहे थे, इसमें हमें कोई छुपाने और शर्मिंदगी की बात नहीं है। और अगर जो है वो झारखंड में हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है वो लिंचिंग के एक्यूज की बेल मिलने पर गारलैंडिंग कर रहे हैं, तो उनके घर के सामने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। इसी पुलिस से के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, पुलिस के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए अलीगढ़ में हमारी टीम पर पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ। हम लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी जिसके बारे में सबको मालूम है। उसके बाद उस फैमिली ने, जिसके फैमिली के 2 लोग मार दिए गए थे, इसी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तमाम हमारे साथी जेल के अंदर हैं और बहुत सारे लोगों को हो सकता है निशाना बनाया जाए, लेकिन आज 22 अक्टूबर है और आज
22 अक्टूबर को अशफाक उल्ला खां के जन्मदिन में हम सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि हमने जो किया है उस पर गर्व कर रहे हैं, और हमारे साथी जो जेल में हैं वो छूटेंगे, और जब तक वो छूटते नहीं हैं और जब तक CA और NRC जैसे काले कानून हमारे समाज के बीच में रहते हैं, हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे और उसी स्पिरिट के साथ जारी रहेंगे जिस स्पिरिट के साथ में बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां का फ्रीडम स्ट्रगल की फाइट चली थी।